हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी क्लासेस। आज हम बात करेंगे कि हम कैसे फैमिली के मैक्सिमम करेक्टर्स को याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। मीन्स हाउ टू लर्न द करेक्टर्स ऑफ फैमिलीज। आपको पता है 11th क्लास में फैमिलीज का टॉपिक दे रखा है, कंपटीशन के क्वेश्चन भी आते हैं और क्लास के क्वेश्चन भी आते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम में भी पूछा जाता है। उसमें से भी हम बात करते हैं मैक्सिमम फ्लोरल करेक्टर्स जो पूछे जाते हैं, उसको कैसे मिनिमम एफर्ट में हम मैक्सिमम उसके याद रख सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे आज। इसके पहले मैंने अपने जो एनसीईआरटी सिलेबस है या जो कंपटीशन सिलेबस है, उसमें जो एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस होता है कंपटीशन का, उसमें हम बात करेंगे। तो जो हमें फैमिलीज जो हमें याद करनी है उसको कैसे हम याद कर सकते हैं, उस हिसाब से एंजियोस्पर्म हमारे सिलेबस में, एंजियोस्पर्म की फैमिलीज को ही पढ़ना है। फैमिलीज़ के लिए एक सफिक्स लगाया जाता है CEAE, सी मीन्स अगर किसी भी नेम के पीछे CEAE आ रहा है, इसमें इट मीन्स वो एक फैमिली नेम है। एंजियोस्पर्म में दो क्लासेस है, डाइकॉट डाइकॉट के लिए डाइकॉटिलीडनी और मोनोकॉट के लिए मोनोकॉटिलीडनी। डाइकॉट को फिर मैंने दो में डिवाइड किया है क्लासेस को, सब क्लासेस में पॉलीपेटली मीन्स ऐसी क्लासेस जिसमें पेटल्स फ्री हैं, और दूसरा है गैमोपेटली, ऐसी क्लासेस जिसमें पेटल्स आपस में यूनाइटेड है यानी जुड़े हुए हैं। तो पॉलीपेटली और गैमोपेटली दोनों है। गैमोपेटली हमारे पास एक फैमिली है जो सिलेबस में है, वो सोलानेसी है। देन दूसरी फैमिली जो है वो है पॉलीपेटली, जिसमें ब्रेशिकेसी क्रूसीफेरी। अब इसके डायरेक्ट करेक्टर्स नहीं दे रखे हैं, लेकिन एनसीईआरटी ने जहाँ पे स्टार्ट किया है वहाँ पर एक फ्लोरल डायग्राम और एक फॉर्मूला दे करके उसको एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया है वहाँ पर, तो हम इसको भी डिस्कस कर लेंगे। फिर लेग्यूमिनेसी और फैबेसी, पहले का नाम लेग्यूमिनेसी था, नया नाम उसका फैबेसी है। फैबेसी की एग्जैक्टली तीन सब फैमिलीज होती है, एक है माइमोसेसी, दूसरी है सीजलपीनियसी, तीसरा है पेपिलियोनेसी। एनसीईआरटी ने फैबेसी को जो एक्सप्लेन किया है उसमें सिर्फ इसी को एक्सप्लेन किया है, पेपिलियोनेसी, जिसको हम पी फैमिली भी कहते हैं। सीजलपीनियसी इसमें एग्जाम्पल आते हैं जैसे केसिया है और टैमरिंड वगैरह है, जैसे अमलतास अगर कभी नाम सुना हो, इमली है, इस तरह के जो प्लांट है वो इस सब फैमिली में आते हैं। माइमोसा प्यूडिका, इसी से इसका नाम पड़ा है, माइमोसेसी यानी टच मी नॉट, छुई मुई जिसको हम कहते हैं। बबूल, खेजड़ी, कीकर, इस तरह के जो प्लांट है वो भी इसी फैमिली में आते हैं। तो यानी एग्जैक्टली लेग्यूमिनेसी को या फैबेसी को तीन सब फैमिली में डिवाइड किया गया, लेकिन एनसीईआरटी में या कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें हम नीट में, तो पेपिलियोनेसी को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया। अब हम कैसे मैक्सिमम करेक्टर्स याद रख सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, जो ब्रेसिकेसी यानी क्रूसीफेरी, जिसका सिर्फ एक फॉर्मूला और डायग्राम दे रखा है, उससे हम कैसे मैक्सिमम करेक्टर्स निकाल सकते हैं और उसके बारे में मैक्सिमम जानकारी निकाल सकते हैं। तो ऐसे भी हम हर फैमिली के लिए कर सकते हैं, हम सोलोनेसी के लिए भी ऐसे सारा बताया जा सकता है, लीलिएसी के लिए भी बताया जा सकता है, सारा कुछ बताया जा सकता है। मोनोकॉट के लिए हमारे पास लीलिएसी एक सिंगल फैमिली का दे रखा है, जिसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, बट फिर भी एक ही फैमिली है, तो उसको हम याद कर सकते हैं। तो अभी हम बात करते हैं कि कैसे एक फैमिली के मैक्सिमम करेक्टर्स याद रखे जा सकते हैं। उसमें से भी हम बात करेंगे फ्लोरल करेक्टर्स जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। अदरवाइज आप जो जनरल करेक्टर्स हैं, रूट, स्टेम, लीव्स, ये आप मॉर्फोलॉजी से भी याद कर सकते हो। वैसे तो डाइकॉट है उसमें मोस्टली टैप रूट होती है, तो डाइकॉट की फैमिली जो है ये दो, यहाँ पर मोस्टली टैप रूट ही देखने को मिलेगी आपको, यहाँ पर भी टैप रूट ही मिलेगी आपको, यहाँ पर आप कह सकते हैं एडवेंटिशियस रूट मिलेगी, तो टैप रूट डाइकोट का करेक्टर है। स्टेम की बात करेंगे तो अलग अलग में अगर एक दो प्लांट का भी नाम आपको याद है तो आप उसके स्टेम के करेक्टर्स लिख सकते हो। लीव्स के करेक्टर्स की बात कर सकते हैं, तो अगर आपको प्लांट नेम जैसे पता है यहाँ पे सरसों होगा या यहाँ पे जो अकेशिया है, तो आपने बबूल देखा ही होगा, तो उसे हम कह सकते हैं पिनेटली कंपाउंड लीफ है। इमली के बारे में बात करेंगे, पी के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पे पिनेटली कंपाउंड लीव्स है। फिर कुछ में मॉडिफिकेशन भी है, जैसे पी के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पर टेंड्रिल्स प्रेजेंट होते हैं, तो लीफ टेंड्रिल उससे क्लाइंबर्स बन जाते हैं, तो ऐसी अल्टरनेट चीज़ों को आप याद कर सकते हो। बट जो बेसिक चीज़ें हैं वो है फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम, जिससे आप मैक्सिमम फ्लोरल करेक्टर्स जो अक्सर पूछे जाते हैं उसको आप याद कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको दो चीज़ें अच्छे से याद करनी है, वो है एक तो आपको फ्लोरल फॉर्मूला सही से याद होना चाहिए, दूसरा आपको फ्लोरल डायग्राम। ये दो चीज़ें अगर आपने अच्छे से तैयार कर ली किसी भी फैमिली की, तो आप मैक्सिमम करेक्टर्स निकाल सकते हैं।
कैसे क्या होगा हम उस पर बात करते हैं। तो ये दो चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी, उसके बाद मैं बता दूंगा कैसे कैसे आपको करेक्टर्स नोट डाउन करने हैं या कैसे कैसे आप उसको याद रख सकते हो। तब हम बात करते हैं ब्रेसिकेसी, नया नाम है, पहले का नाम था क्रूसीफेरी, ये नाम आया है क्रूसीफॉर्म कोरोला, यानी जो क्रॉस क्रॉस कोरोला जो होते हैं यानी पेटल्स जो है उसकी वजह से इसका नाम पड़ रखा है। अब हम बात करते हैं इन्फ्लोरेसेंस, एक जनरल चीज़ है जो तीन चार फैमिली उसके याद रखा जा सकता है, जिसमें मोस्टली रेसिमोस और साइमोस पैटर्न पे आप याद रखोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। इन्फ्लोरेसेंस याद रखने से एक जनरल करेक्टर आगे काम आएगा जो हमें याद रह सकता है, जैसे इस फैमिली का इन्फ्लोरेसेंस हम बात करें रेसिमोस या रेसीम, जब भी हम रेसीम पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम कहते हैं कि मेन पेडंकल पर पेडिसेल वाले फ्लावर लगे हुए होते हैं, तो उससे हम आगे एक पॉइंट डिस्कस करेंगे। इन दोनों से हम कैसे मैक्सिमम करेक्टर आउट करेंगे, तो पहले जो फर्स्ट करेक्टर जो लिखा जाता है आपको पता ही है फ्लावर के बारे में, फ्लावर के बारे में कैसे याद करना है, तो फॉर्मूले से ही आपको फ्लावर के बहुत सारे करेक्टर समझ में आ जाएंगे। जैसे फर्स्ट लिखा यहाँ पर EBR, इसका मतलब होगा ई ब्रैक्टिएट, यानी पेडंकल पर ब्रैक्ट एब्सेंट है। इस निशान का मतलब होता है एक्टिनोमॉर्फिक, तो सेकेंड करेक्टर हो जाएगा एक्टिनोमॉर्फिक। इस निशान का मतलब सीधा हो जाएगा बाइसेक्सुअल प्लांट। फिर ये तीन करेक्टर तो आपको सीधा सीधा दिख गए, अब क्या करना है, KCAG, अगर चारों के चारों वर्ल्ड पूरे कंप्लीट है यानी सभी के सभी प्रेजेंट है, तो इस तरह के फ्लावर को हम कहेंगे कंप्लीट फ्लावर। क्लियर, तो फ्लावर हो जाएगा आपका कंप्लीट। फिर इनके नंबर्स को देखना है, इनके नंबर्स को देखोगे तो टू और टू के मल्टीपल्स में नंबर है, तो ऐसे फ्लावर को जिसमें KCAG मतलब वही सेपल्स पेटल्स इन सब के जो नंबर्स है वो टू और टू के मल्टीपल्स में हो तो उसको बाईमेरस कहते हैं, अगर थ्री और थ्री के मल्टीपल्स में होते हैं तो ट्राईमेरस हो जाता है, फोर और फोर के मल्टीपल्स में होता है तो टेट्रामेरस हो जाता है। अब इसमें फैमिली में बहुत सारे प्लांट है, इसमें कुछ में बाईमेरस है कुछ में टेट्रामेरस है, तो आप इजीली बाईमेरस और टेट्रामेरस यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर एक और करेक्टर जी के नीचे जो लाइन खींची जाती है, इसका मतलब है जी मीन्स गाइनोशियम, यानी ये आपकी जो ये ओवरी है ये वाला पार्ट, बाकी सारे पार्ट इसके नीचे है, तो ये सारे पार्ट जिसकी हम आगे बात करते हैं ये वाली, यानी जो स्टेमन है या ये जो है पेटल्स है सेपल्स है, ये सारे के सारे जी के नीचे प्रेजेंट है, तो ऐसे फ्लावर को हम कहते हैं हाइपोगाइनस। गाइनस मीन्स गाइनोशियम मतलब कार्पल, उस कार्पल के नीचे सारे के सारे पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, तो ऐसे फ्लावर को हम नाम देंगे हाइपोगाइनस। तो जी के नीचे अंडरलाइन है, इसका मतलब द फ्लावर इज हाइपोगाइनस। तो इतने सारे करेक्टर हो गए, रेसिमोस से आपको समझ में आ जाएगा पेडिसिलेट कंडीशन, अगर पेडिसिल प्रेजेंट है तो पेडिसिलेट फ्लावर हो जाएगा। तो मैक्सिमम करेक्टर आपको समझ में आ गए, ई ब्रैक्टिएट, देन एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, कंप्लीट, देन बाइमेरस और हाइपोगाइनस। तो इतने सारे करेक्टर्स आपको यहाँ से समझ में आ गए। अब नेक्स्ट हम चलते हैं कि फ्लावर के करेक्टर के बाद सबसे पहले हम बात करते हैं कैलिक्स की। कैलिक्स क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ सेपल्स, उसको हम कहते हैं कैलिक्स। कैलिक्स में करेक्टर हम क्या लिखोगे, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे नंबर है वही आपको पता चल जाएगा, तो 2+2 मतलब टोटल सेपल्स 4 है, इनके बाहर कोई ब्रैकेट लगा हुआ नहीं है मतलब ये फ्री है, तो फ्री वाले सेपल को हम कहते हैं पॉलीसेपलस कंडीशन। तो वैसे पहले भी हम पता है ये पॉलीपेटली कंडीशन में है, तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं इस फैमिली में जुड़ा हुआ नहीं है सेपरेट है, पॉलीसेपलस। फिर 2+2 लिखा है मतलब दो एक नोड पे और दो दूसरे नोड पे, तो दो दो के दो वोर लगे हुए हैं। अगर आप डायग्राम को भी देखो गौर से तो ये दो इनर साइड में है ये दो आउटर साइड में, हमेशा आउटर साइड वाला एरिया नीचे की तरफ होता है, इनर साइड वाला एरिया जो होता है वो ऊपर की तरफ होता है। अगर हम इस तरह से बात करें तो ये आउटर होता है और ये इनर होता है, मतलब दो अलग और दो अलग, तो दो दो के दो वोल उसमें प्रेजेंट है, तो सेपल्स आर 4, 2 वोल्स फ्री है, ब्रैकेट नहीं लिखा हुआ है, यहाँ भी देखो कहीं भी आपस में जुड़े हुए नहीं है ग्रीन कलर के जो स्ट्रक्चर है, तो इसको हम कहेंगे पॉलीसेपल्स कंडीशन। और अब बात करते हैं इसके एस्टिवेशन की, यानी अरेंजमेंट। एस्टिवेशन जब मार्जिन किसी दूसरे सेपल्स और पेटल्स से क्या हो कवर्ड हो, इनके मार्जिन इससे ओवरलैप हो रहे हैं कवर्ड हो रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। तो इस डायग्राम से आपको समझ में आ रहा है इम्ब्रिकेट,
तो टोटल फोर, देन पॉली कंडीशन और एस्टिवेशन हो जाएगा आपका इम्ब्रिकेट। देन नेक्स्ट आते हैं हम कोरोला पे, सी मीन्स कोरोला। कोरोला टोटल नंबर ऑफ पेटल्स, पेटल्स का अरेंजमेंट बताएगा। फोर है मतलब चार पेटल्स होंगे और एक्स क्रॉस शेप में। डायग्राम को अगर आप देखोगे तो एक दो तीन चार फोर है और वो क्रॉस शेप में अरेंज्ड है, इसको हम कहते हैं क्रूसीफॉर्म। तो जब भी आप पेटल्स लिखो उस पेटल्स का शेप आप लिख सकते हो, पेटल्स के बारे में हर फैमिली का कुछ ना कुछ डिफरेंट है, यहाँ पर क्रूसीफॉर्म है तो वो आप लिख सकते हो। फिर ये आपको दिख रहा है कि सारे पेटल्स फ्री है, यहाँ फॉर्मूले में भी देखोगे तो ब्रैकेट लगा हुआ नहीं है, तो इसको हम कहते हैं पॉलीपेटलस कंडीशन। फिर आते हैं हम एस्टिवेशन पे, इसके एस्टिवेशन देखोगे तो इसके मार्जिन कहीं पर भी ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। जब ऐसा कंडीशन हो कि मार्जिन एक दूसरे को साइड से टच कर सकते हैं बट ओवरलैप नहीं करते हो, तो ऐसा एस्टिवेशन हो जाएगा वॉलवेट एस्टिवेशन। तो नेक्स्ट करेक्टर हो गया वॉलवेट एस्टिवेशन। ये आपके मिनिमम करेक्टर्स है जो आप याद रख सकते हो। अब बात करते हैं हम एंड्रोशियम की। एंड्रोशियम में टोटल नंबर ऑफ स्टेमन्स सिक्स है, इससे भी आपको समझ में आ रहा है, यहाँ डायग्राम में भी आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6, सिक्स दे रखे हैं। फिर अगर आप गौर से देखोगे तो यहाँ पे लिखा 2 + 4 दो वोल्ड में है, दो अलग है फोर अलग है और सब फ्री है। यहाँ पर भी देखोगे तो ये फोर अलग है, ये टू अलग है, इनका एक सर्कल है, इनका आउटर एक सर्कल है, तो ये दो अलग है ये फोर अलग है और सब के सब फ्री है, इसको हम कहते हैं पॉलीएंड्रस कंडीशन। तो स्टेमंस सिक्स है, दो वोल्ड में है और पॉलीएंड्रस कंडीशन है। अब डायग्राम को जब हम गौर से देखते हैं तो दो छोटे होते हैं और चार बड़े होते हैं, ऐसी कंडीशन जिसमें स्टेमन फोर जो है वो बड़े हैं, टू अगर छोटे हो, तो उसको हम कहते हैं टेट्रा डायनेमस कंडीशन। तो ये टेट्रा डायनेमस कंडीशन भी यहाँ देखने को मिलती है। तो उसके लिए अगर आप प्रॉपर अच्छे से डायग्राम बनाओगे सही से तो आपकी कभी कोई गलती नहीं होगी। एनसीईआरटी में दे रखा है, आप आराम से देखें उसको, आपको भी ये करेक्टर समझ में आएगा। फिर हम बात करते हैं एंथर की। एंथर में जब हम ये स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये डबल वाला, ये एक सिंगल और ये एक, ऐसा डबल बनाते हैं तो हम इसको कहते हैं डाइथिकस, और अगर ऐसा सिंगल ही बनाया हुआ हो तो उसको हम कहते हैं मोनोथिकस, बट यहाँ पे ऐसा है तो उसको हो जाएगा डाइथिकस। अब आपको डाइथिकस कंडीशन ही यहाँ से देखने को मिलेगी और कंडीशन आपको यहाँ से देखने को नहीं मिलेगी। उसके बाद एक्स्ट्रा करेक्टर्स के लिए आपको फिर पूरा डिटेल पढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इतने से आपका कोई भी क्वेश्चन होगा वो सॉल्व हो जाएगा। तो स्टेमन सिक्स, पॉलीएंड्रस कंडीशन, टेट्रा डायनेमस। अब आपके सिलेबस में टेट्रा डायनेमस यहीं पे आ रहा है, अगर सवाल आता है तो फैमिली यहाँ पे आपकी चली जाएगी ब्रेसिकेसी फैमिली, तो इससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फिर फोर नेक्ट्रीज, यानी जो नेक्टर ग्लैंड वगैरह है वो फोर प्रेजेंट होती है, ये आप एक्स्ट्रा याद रख सकते हो, चाहो तो आप यहाँ बना भी सकते हो। फिर लास्ट आता है गाइनोशियम। गाइनोशियम में करेक्टर्स में कैसे कैसे याद रख सकते हैं कि सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर ऑफ कार्पल्स टू, तो इसको हम कहेंगे बाई कार्पलरी कंडीशन। फिर ब्रैकेट लगा हुआ है तो इसको हम कहेंगे सिन कार्पस। तो दो करेक्टर तो आपको समझ में आ रहे हैं, बाई कार्पलरी, सिन कार्पस। अब लोक्युलर कंडीशन, तो लोक्युलर कंडीशन को अगर आप देखोगे यहाँ पे डायग्राम में, तो ये ओवरी का कट सेक्शन है, ये अंदर का जो स्पेस है येलो कलर का वो एग्जैक्टली लोक्यूल है। तो अर्ली स्टेज में ये एक ही लोक्यूल होता है तो यूनिलोक्युलर कंडीशन होती है, लेकिन बाद में ये डॉट डॉट बना है, इस डॉट डॉट का मतलब है ये एक रेपलम है, सेप्टा टाइप सेप्टा है, इसको बाई लोक्युलर कंडीशन में डिवाइड कर देता है। तो स्टार्टिंग में यूनिलोक्युलर होता है बट इस रेपलम की वजह से ये बाई लोक्युलर हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं बाई लोक्युलर भी लिख सकते हैं आप, सही है। तो बाई कार्पलरी, सिन कार्पस, बाई लोक्युलर। फिर प्लेसेंटेशन में आप देखोगे यहाँ पे तो पेराइटल प्रेजेंटेशन है, ये आपको यहाँ से समझ में आएगा। तो करेक्टर यहाँ पे बाई लोक्युलर कंडीशन, जो भी कंडीशन होगी वो आपको यहाँ डायग्राम से क्लियर हो जाएगी। फिर प्रेजेंटेशन भी आपको इसी डायग्राम से याद रखना है, ये है पेराइटल प्रेजेंटेशन, क्योंकि इस ओवरी की वॉल पे ये लगे हुए हैं। फिर एक और चीज़, जब भी जी के नीचे अंडरलाइन कर रखी है मतलब ये हाइपोगाइनस है, तो हमने कहा भी सबसे ऊपर गाइनोशियम बाकी सब नीचे है, तो ऐसे कंडीशन में ओवरी हमेशा ऊपर की तरफ रहेगी, ओवरी हमेशा सुपीरियर रहेगी। तो जब भी फ्लावर हाइपोगाइनस होगा ओवरी हमेशा सुपीरियर ही होगी, तो फ्लावर हाइपोगाइनस है तो ओवरी सुपीरियर। तो यहाँ से आपको फ्लावर का करेक्टर भी देखने को मिल रहा है, यहाँ से आपको ओवरी का करेक्टर भी देखने को मिल रहा है। तो ये हो गए आपके जनरल करेक्टर्स, ये और ये अगर आप चीज़ याद रखो तो आप बहुत सारी चीज़ें याद रख सकते हो।
बाकी छोटी मोटी चीज़ें आप अलग से याद कर सकते हो, फ्रूट का शेप है, कैंडी टफ्ट एग्जाम्पल आप एक साथ लिखो सारे, उससे क्या होगा जो आजकल नीट में क्वेश्चन बन रहे हैं उसमें कोई भी इनमें से करेक्टर्स लिखे हुए होंगे और ऐसे ढेर सारे नाम दिए होंगे, इसमें और भी नाम ऐड कर देंगे, सोलोनेसी के, लिलिएसी के, फिर आपको टोटल काउंट करके बताना पड़ता है कितने इस फैमिली से या इस जो ये करेक्टर दे रखे हैं उसमें से कितना पर ये लागू होता है। तो अगर आपको मैक्सिमम एग्जाम्पल एक साथ लिखे हुए नहीं होंगे तो आप उनमें से सेलेक्ट नहीं कर पाओगे। तो कोई भी फैमिली के आप करेक्टर लिखो, उसके बाद आप सारे एग्जाम्पल एक साथ लिखो वहाँ पर, जैसे कैंडी टफ चांदनी, रेफनस है, मूली है, टर्निप है, मस्टर्ड है, कॉलीफ्लावर गोभी है, फूल गोभी है, कैबेज पत्ता गोभी है, राई है, कैप्सुला बर्सा पेस्टोरिस, ये एक वीड है जिसमें जो हम 11th क्लास पढ़ते हैं तो जो पूरा लाइफ साइकिल है, 12th क्लास का जो सेकेंड चैप्टर है उसमें भी लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म दे रखी है, वो पूरी पूरी डिस्कवर इसी प्लांट में हुई थी, जिसको हम सेफर्ड पर्स भी कहते हैं। तो ये बहुत ही आसान तरीका है मैक्सिमम करेक्टर्स याद रखने के, और इनसे अगर आप करेक्टर याद रख लोगे तो आपके कंपटीशन में कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो ऐसा एक दिख रहा है आपको, ऐसा हर फैमिली का लिख लेना, मैं आपको नेक्स्ट क्लासेस में बताऊंगा हर एक का लिखा हुआ, और अगली क्लास में हम जो तीनों फैमिली दे रखी क्लियर उसमें हम कंपैरिजन देखेंगे, तो इन्हीं करेक्टर्स के बेस पे कुछ कंपैरिजन देखेंगे और कैसे हम मैक्सिमम क्वेश्चन को एक साथ पुटअप कर सकते हैं या मैक्सिमम चीज़ें एक साथ याद रख सकते हैं उसके बारे में डिस्कस होगा। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।